तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले कल के मंडे नाइट रॉ के बारे में। जी हाँ गाइस, इसके अंदर इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो गाइस, कल का रॉ काफ़ी कमाल का हमें दिखाई देने वाला है शो के ऊपर। गाइस यहाँ पर से WWE ने ऑफिशियल कर दिया है सेथ रॉलिंस एंड रिडल का मैच, सॉरी सेथ रॉलिंस एंड लैशली का मैच। बाकी देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। और बात करें रॉ की, तो गाइस कल के रॉ के अंदर बताया जा रहा है रे मिस्टीरियो एंड रिडल टीम अप करके जजमेंट डे को फेस करेंगे, ज़ेरो ने उसका रिपोर्ट का कहना है। तो ये चीज़ हमें दिखाई देगी। एंड आई थिंक इस वाले मैच के अंदर हमें गाइस जो है मे बी हमें रिडल या फिर गाइस जो है जजमेंट डे की टीम भी जीतते हुए दिखाई दे सकती है, लेकिन लेट्स सी। आई थिंक जजमेंट डे जीत सकती है क्योंकि अभी फिलहाल जो है उनको WWE अच्छा खासा बुक कर रही है। बाकी शो के ऊपर गाइस हमें जो है यहाँ पर से दिखाई देने वाला है मैच, एक और मैच दिखाई दे सकता है। साथ ही में ऐसे नॉर्मल मैचेस होंगे एंड डेक्सटर लूमिस एंड मिस के बीच भी कुछ सेगमेंट WWE करने वाली है, ऐसा भी गाइस ज़ेरो न्यूज़ का कहना है। साथ ही में हमें जो है केविन ओस एंड थियोरी का भी मैच दिखाई देने वाला है। आई थिंक काफ़ी अच्छा ही इंटरेस्टिंग सा एक्शन होने वाला है। एंड इस वाले मैच के अंदर आई थिंक दोनों को ही जीत जो है काफ़ी नेसेसरी है, और लेकिन मे बी आई थिंक केविन ओस मे बी वो हमें इस मैच के अंदर हमें जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं। बाकी बताया जा रहा है कि जो है यहाँ पर से और भी कुछ ऐसी मैचेस वगैरह हमें दिखाई देंगे। एंड आई थिंक कुछ ब्रॉलिंग ब्रूट्स एंड स्ट्रीट फाइटर्स का भी मे बी मैच हो सकता है रॉ में। साथ ही में बताया ये भी जा रहा है कि गाइस हमें यहाँ पर से शो के ऊपर जो है ओपनर जो दिखाई देने वाला है वो WWE करने वाले सेथ रॉलिंस एंड बॉबी लैशली के US चैंपियनशिप मैच को लेकर। एंड आई थिंक मेरे ख्याल से मेनियन WWE को करना चाहिए, लेकिन ये फिलहाल अभी के फ़िलहाल लेटेस्ट यही न्यूज़ है। एंड गाइस मेरे ख्याल से ये चीज़ मे बी WWE को नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बात करें इनके मैच की तो मेरे ख्याल से काफ़ी कमाल का मैच दिखाई देगा। एंड आई थिंक बॉबी लैशली अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे एंड मे बी हमें कॉस्ट करवाते हुए दिखाई दे सकते हैं रिडल इस वाले मैच को सेथ रॉलिंस को। और बाकी मेन इवेंट बताया जा रहा है कि बेली का सेगमेंट WWE बुक कर रही है, तो लेट्स सी बेली के लिए क्या WWE चीज़ करती है। एंड आई थिंक मे बी वो चैलेंज कर सकती है बियांका बेलर को। बाकी ये फिलहाल कुछ रॉ के लिए ऑफिशियल है, बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में बताना। बाकी फिलहाल मैं मिलता हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर।